लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लंकावासियों की ओर से आपके चरणों में उपहार स्वरूप मैं ये पुष्पक विमान लाया हूं। कृपया अयोध्या प्रस्थान करके इसे स्वीकार कीजिए। लंकेश्वर विभीषण, इसकी क्या आवश्यकता थी? आपका स्नेही हमारे लिए उपहार है। दशरथ नंदन, आपके वनवास की अवधि पूर्ण हुई, अब आप इस पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या पहुँचे और अयोध्या वासियों की लंबी प्रतीक्षा का अंत कीजिए। महारानी शर्मा, लंका में बंधनी रहते हुए मैंने महारानी मंदोदरी और आपसे जो स्नेह पाया वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। प्रभु, आपके राज्यारोहण के शुभ अवसर पर मैं भी महारानी शर्मा के साथ अयोध्या में उपस्थित रहना चाहता हूँ। लंकेश्वर विभीषण, आपके और महारानी शर्मा के आगमन से अयोध्यावासी प्रसन्न होंगे। लंकेश्वर, आपका यह सहयोग हम जीवन भर याद रखेंगे। लंकेश्वर विभीषण, अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य, आप लोग प्रस्थान कीजिए। वानर वीरों, प्रभु श्री राम की इस लंका विजय में और श्री राम माता सीता के मिलन में आप सभी का सहयोग अभूतपूर्व था। यदि आप सभी लोगों का सहयोग ना होता, ना तो प्रभु श्री राम की लंका विजय पूर्ण हो सकती थी और ना ही सीता राम का मिलन। भविष्य में जब भी प्रभु श्री राम के इस लंका विजय के विषय में बात करेंगे तो आप सभी का नाम उतनी ही श्रद्धा से लिया जाएगा जितना कि प्रभु श्री राम का। आप सभी के इस महान सहयोग को मैं शब्दों में व्यक्त करना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी के इस महान सहयोग को शब्दों में व्यक्त करना अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सभी से केवल इतना कहना चाहूंगा कि अपनी शुभकामनाओं सहित प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण को अयोध्या के लिए विदा कीजिए। इसलिए आप सब मेरे साथ एक बार बोलिए, जय श्री राम।
सच्चाइयों का अनुभव हुआ। इस भूमि की अनेक स्मृतियां मैं अपने साथ लिए जा रही हूँ। सीते, यहाँ के हमारे अनुभव भी कम विचित्र नहीं रहे। ये सारे अनुभव सदा सदा के लिए हमारे स्मृति कोष में रह जाएंगे। हनुमान, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? बस यूं ही भैया, मैं तो अपना सुमेरु आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो अब आने वाला है। सुमेरु? हाँ प्रभु, सुमेरु में मेरे माता पिता निवास करते हैं। जिन माता पिता ने महान हनुमान को जन्म दिया, भला उनके दर्शनों से हमें क्यों वंचित रखना चाहते हो? प्रभु, आप मेरे माता पिता के दर्शन करना चाहते हैं? अवश्य हनुमान, ऐसा अवसर फिर कब आएगा? स्वामी, मैं भी उन महान आत्माओं के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ हनुमान, हम सब उनके दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु, क्यों ना हम सुमेरु उतरे? ये तो मेरा सौभाग्य है वानरराज सुग्रीव कि आप सब मेरे अतिथि बनेंगे। मेरे माता पिता श्री आप सबको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। प्रभु, विमान को नीचे उतारिए। माता श्री, हनुमान, माता श्री। ओ हनुमान, माता श्री। आयुष्मान बाबा। पिताश्री। उठो पुत्र। पिताश्री, देखिए हमारे साथ कौन कौन पधारे हैं। आइए प्रभु, माता आइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम हनुमान, आज हमारा जीवन धन्य हो गया इन सब महानुभावों के दर्शन एक साथ करके। ये हमारा सौभाग्य है श्री राम कि आप सब एक साथ यहाँ पधारे हैं। आइए विराजी। आइए प्रभु। आइए 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 भैया। विराजी प्रभु, विराजी। पुत्र हनुमान, तुम वहां बैठो। नहीं पिताश्री, मैं तो सेवक हूं और सेवक का स्थान प्रभु के चरणों में है। मैं यही ठीक हूं पिताश्री। श्री राम, आपको लंका विजय पर बधाई हो। वानरराज, बधाई तो आप महाबली हनुमान को दीजिए, क्योंकि यदि हनुमान हमारे साथ ना होते तो शक्तिशाली रावण की शक्ति को ध्वस्त कर पाना असंभव था। हमारे इस अभियान के महानायक हनुमान ही थे। माता, आपने हनुमान जैसे वीर पुत्र को जन्म देकर हम सब पर ही नहीं पूरी मानव जाति पर उपकार किया है। जहां जहां संकट आता था वहां वहां हनुमान संकट मोचन बनकर पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं माता, जब मेघनाथ ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया और मैं मृत्यु के मुख में जा पहुंचा, उस समय केवल हनुमान ने हिमालय पर जाकर औषधियों से परिपूर्ण द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाए थे। पूरा द्रोणगिरी उठा लाया था हनुमान? क्या कह रहे हैं आप? माता, केवल द्रोणगिरी ही नहीं, हनुमान ने अकेले ही रावण की लंका को भस्मीभूत कर डाला था। देवी सीता, हमारा पुत्र हनुमान जन्म से ही ऐसे चमत्कार दिखाता आ रहा है जिसे देखकर विश्वास नहीं होता। अब आपको विश्वास करना ही होगा वानरराज, हनुमान की शक्ति आप कल्पनाओं में नहीं समा सकती। हनुमान असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। लंका विजय के उपलक्ष्य में अब हम यहाँ उत्सव मनाएंगे। आप कुछ दिन यहाँ रहकर और उत्सव में भाग लेकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए प्रभु। नहीं माता, हमारे वनवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अयोध्यावासी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप दोनों के दर्शन पाकर हम धन्य हुए। अब हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान को तो हमारे पास छोड़ जाएंगे ना प्रभु? हनुमान के बिना हमने वियोग की बहुत बहुत लंबी अवधि बिताई है। हाँ प्रभु, अब सारे कार्य संपन्न हो गए और अब हनुमान को भी विश्राम की आवश्यकता है। नहीं माता, राम सेवक हनुमान को विश्राम के लिए ना कहिए। यदि प्रभु की आज्ञा हो तो ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं। हनुमान, श्री राम आज्ञा क्यों नहीं देंगे?
माता पिता से पुत्र को दूर रखना प्रभु क्यों चाहेंगे? हनुमान के बिना हम अयोध्यावासियों को क्या मुंह दिखाएंगे? जिस हनुमान ने हमारे वनवास को सफल बनाया, जिस हनुमान ने हमें हर संकट से बचाया, जिस हनुमान ने सीता को रावण के चुंगल से मुक्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, भला उसके बिना हम अयोध्या कैसे जा सकते हैं? वानरराज, हम आपको ये वचन देते हैं कि हनुमान शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। माता, माता प्रभु की इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैं इनसे आज्ञा लेकर शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम, शिष्यगणों इधर आओ, शीघ्र आओ। देखो, श्री राम के स्वागत का आयोजन करो, वे शीघ्र यहाँ पधारने वाले हैं। श्री राम? क्या प्रभु श्री राम यहाँ पधारने वाले हैं गुरुवर? हाँ प्रवृत्ति, उनके 14 वर्ष का वनवास आज ही पूर्ण हुआ है। भी लंकापति रावण के पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रवृत्ति, स्वागत का आयोजन करो। तुम फल लेकर आओ, जो आगे तुम पुष्प लेकर आओ, तुम कुशासन लेकर आओ, शीघ्र जाओ जाओ। आओ प्रवृत्ति, आओ मेरे साथ आओ। तुम लाओ इसे यहां बिछाओ। ऐसे आप पुष्प को ऐसे सजाओ। हाँ, तुम और पुष्प लेकर आओ। हाँ, ऐसे लगाओ। हाँ, बस इसे यहां रखो। व्यवस्थित है ना? आओ फिर से शीघ्र आओ। श्री राम, प्रभु श्री राम। आपका स्वागत है प्रभु। प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। उठिए प्रभु, मैंने अपने तपोबल से जान लिया था कि आप यहां शीघ्र ही पधारने वाले हैं। गुरुवर, बिना आपका आशीर्वाद लिए हम यहां से कैसे लौट सकते थे? आइए प्रभु, आप लोग भी आइए, आइए आइए प्रभु। प्रभु आपके आगमन से हमारे आश्रम और भी पवित्र हो गया। विराजे प्रभु,
आप लोग भी विराजिए। श्री राम, आपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि में मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं में रहते हुए जो महान कार्य संपन्न किए हैं वो मानवता के इतिहास में अमिट रहेंगे। हम सब यहां आपका अभिनंदन करते हैं। ऋषिवर, आपकी इस कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैंने तो वही किया जो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य था। हर मनुष्य आपकी समानता नहीं कर सकता श्री राम, क्योंकि आप पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना, राज्य का मोह तृणमूल समझकर त्याग देना और घोर वनों में भटक भटक कर कठिनाइयों का पग पग पर सामना करना आप जैसे असाधारण मनुष्य के लिए ही संभव था। और फिर हमारा राक्षसी शक्ति से सामना हुआ ऋषिवर। जब रावण ने सीता भाभी का कपट से अपहरण किया तब हमारे धैर्य और वीरता की परीक्षा हुई और आप दोनों उसमें सफल भी हुए। राक्षस राज रावण को उसी की लंका में परास्त करके अपने नैतिक बल का नया उदाहरण प्रस्तुत किया। ऋषिवर, ये सब तो हमारे प्रिय हनुमान के कारण हुआ है। यदि रुद्र अवतार हनुमान हमारे साथ ना होते तो यह वनवास एक करुण कथा बनकर रह जाती। नहीं भगवान, हनुमान तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक है। मुझे इस विजय का श्रेय नहीं चाहिए। वाह, मैंने तो केवल आपका नाम और आपकी प्रेरणा लेकर यह सारा कार्य किया है। क्यों माता सीता? वाह, अद्भुत अद्भुत भक्ति। ऋषिवर, श्री राम महान है तो हनुमान महानता के अवतार है। एक की प्रशंसा से दूसरे की महानता जुड़ी हुई है, अटूट है। श्री राम, कुटिया में चलकर जलपान ग्रहण कीजिए। आइए।